Hey students, once again welcome back to Devashya International School. I hope you all are fine. So students, जैसे कि आपको पता है कि जो first part था हमारी workbook में, वहां पर हमने तीन question solve किए थे. Clear? After discussing about the formulas, we have discussed three questions. So now students, in this video, we will be discussing about the next questions. Clear? तो तीन क्वेश्चन के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया, बट उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड द क्वेश्चन. द टोटल लेंथ ऑफ अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 408. द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ फील्ड इज डैश. नाउ स्टूडेंट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं एक फील्ड है, कौन से शेप में? स्क्वायर शेप में है. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक फील्ड है, कौन से शेप में? स्क्वायर शेप में. तो स्टूडेंट, हमने क्या किया, ये पूरे फील्ड को हमने कवर किया है, ये पूरे फील्ड को हमने कवर किया है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ वायर. क्लियर? और स्टूडेंट, हमने जो इसको पूरा कवर किया हुआ है उसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है? 408. तो ये पूरा इसका लेंथ कितना है स्टूडेंट? 408. तो स्टूडेंट, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो 408 ये क्या है, ये है आपका पेरीमीटर. तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इसका टोटल 408 है, तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर साइड की बात करें, ये साइड, तो इसका जो लेंथ है वो कितना होगा? तो अब आपको पता है स्टूडेंट, ये है क्या, ये स्क्वायर है, और ये दिया क्या है, ये हमें दिया है पेरीमीटर. क्लियर? सो फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर इक्वल टू 4 × साइड. अब यहां पे पेरीमीटर कितना दिया स्टूडेंट? 408. तो पी की जगह हम क्या लिखेंगे? 408, और 4 कॉमन, सेम एज इट इज, देन साइड. अब स्टूडेंट, हमें क्या करना है, ये 4 को हमें डिवाइड करना है. कैसे? 408 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू साइड. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, 408 को 4 से डिवाइड करना है. अब ये तो आपको आता ही है. क्लियर? 4 × 40, 4 × 2 = 8. क्लियर है? तो आंसर क्या है? 102 मीटर इक्वल टू साइड. तो स्टूडेंट, अब ये कितना होगा 102, ये कितना होगा 102, और ये कितना होगा 102, और ये कितना होगा 102. तो स्टूडेंट, जब आप ये चारों को ऐड करोगे, जब आप ये सबको ऐड करोगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? टोटल 408. क्लियर? चलो, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन. नाउ सबसे पहले स्टूडेंट, यहां पे आपको सपोज करना है. देखो क्वेश्चन में क्या है, द रूम इज 5.4 मीटर लॉन्ग एंड 4.5 मीटर वाइड, इट्स एरिया इज डैश. तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द area of room. So now the formula is length into, clear? ये तो आपको पता ही है. Now 5.4 multiply by 4.5. तो students, जब हम ये number को multiply करेंगे तो answer क्या आएगा? 24.3 square meter. यहां पर यह क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा स्टूडेंट, बट दिस इज द ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? 24.3 square meter. ओके, सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर? जय स्टूडेंट्स. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, डायरेक्टली वी विल सॉल्व.
फर्स्ट नंबर पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. सो नाउ पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2. सो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. अब स्टूडेंट जैसे कि आपको बताया कि अगर हम पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो क्या था, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ. ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. क्लियर ना? अब स्टूडेंट जैसे कि ये जो सिलेंडर ब्लैंक है ये तो डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इसके पहले स्टूडेंट्स हमने जो भी फॉर्मूलाज किए थे ये उसी के बेस पे है. ना सेकंड क्वेश्चन, पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वायर. तो स्टूडेंट आपको ये पता ही है कि हम अगर स्क्वायर के पेरिमीटर की बात करें तो क्या था, स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसके चारों साइड्स सेम होती है. तो क्या था, 4 इंटू साइड्स. ओके ना. नंबर 3, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर? अब स्टूडेंट आप ये पूछोगे सर ये कैसे आया, तो ये आपको पता ही है, मैंने आपको पहले सिखाया था कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. क्लियर? अब यहां पे क्या 1 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू, ओके ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर. तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10,000 ना, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये वाला क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूं. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स तो क्या था, लेंथ इनटू, ये तो आपको पता ही है कि हम एरिया के अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर? नाउ फिफ्थ नंबर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स इसके पहले भी मैं बात की थी पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वायर तो क्या था, 4 इंटू साइड, बट यहां पे क्या क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था साइड इंटू साइड, और इसी को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर. क्लियर? ये दोनों सही है. क्लियर? चल तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड. Means the answer will be side square. अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी करेक्ट है, और अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी करेक्ट है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. एंड स्टूडेंट इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके वो क्या है, वो ट्रू फॉल्स है. तो वो हम बाद में, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पे इसका डिस्कशन करेंगे, ट्रू फॉल्स, देन वी विल गो फॉर द मैच द फॉलोइंग. क्लियर?
दैट द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा. और यहां तक के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप अपनी जो वर्कबुक है उसमें ये चीज को आप फिल कर सकते हो. क्लियर? सो आई होप नाउ. जय स्टूडेंट्स.